स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन किया था, उसी से रिलेटेड एक सब टॉपिक करेंगे रिटार्डेशन। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था और नॉर्मली जब मैं इस पर्टिकुलर क्लास की बात करूं जिसका ये स्क्रीनशॉट है बोर्ड का, और नॉर्मली मैं जब मैं पढ़ाता हूँ रिटार्डेशन में पूछता हूँ बच्चों से रिटार्डेशन क्या होता है, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले तो हमें अपने दिमाग से मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना है, रिटार्डेशन का मतलब नेसेसरली नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। रिटार्डेशन क्या होता है उससे पहले मैं बता दूं, रिटार्डेशन के बारे में जो आपके दिमाग में गलतफहमी बैठी हो, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो पहले तो वो हटा लीजिए। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। क्या होता है रिटार्डेशन? देखिए ऐसा है कि रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड, स्पीड का घटना। ऐसा मोशन हो रहा हो जिसमें पार्टिकल की स्पीड घटती जा रही हो, और स्पीड घटना, अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड घटने के लिए एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। स्पीड घटने के लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि पार्टिकल जिधर भी जा रहा हो, वेलोसिटी जिधर भी हो, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका मतलब दो होता है। इसका मतलब होता है कि अगर v प्लस है तो a माइनस हो, और अगर v माइनस है तो a प्लस हो, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट सेंस में हो। अगर v प्लस है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ a माइनस हो, v माइनस है तो a प्लस हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट सेंस में होना ही रिटार्डेशन कहलाते हैं। तो इसका मतलब रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, बट अपोजिट होना चाहिए, वेलोसिटी के अपोजिट होना चाहिए। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स से। इसका मतलब है फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट सेंस में होना चाहिए, और जब फोर्स वेलोसिटी के यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगेगा तो उसको स्लो डाउन ही करेगा, रोकेगा ही। जैसे ट्रक में आपने ब्रेक लगा दिए, और उस ब्रेक एक तरीके से रिटार्डेशन दे रहा है ट्रक में, कार में, और वो उस रिटार्डेशन की वजह से स्लो डाउन होते होते फाइनली स्टॉप हो गया। तो रुकने से पहले जितनी डिस्टेंस चलता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, जितना टाइम लगाता है उसको स्टॉपिंग टाइम कहते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया था क्लास में कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट होता है तो अपोजिट डायरेक्शन को मैंने माइनस ए से दिखा दिया। जब रुक गया, जिस मोमेंट पे रुका होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी मैंने जीरो दिखा दी। तो रुकने से पहले मान लेते हैं कि s चला है, जस्ट रुकने से पहले वही डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस है, सेम लाइन सेम डायरेक्शन चला है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, a माइनस मान लिया मैंने पहले से, तो s की वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद यू स्क्वायर बाई 2a, यही होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस के भी क्वेश्चन होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया कि इफ ए कार हैज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ x, if its initial velocity is u, now the initial velocity has been doubled, keeping the retardation same, then what would be its new stopping distance? तो आप देख रहे हो कि stopping distance u square by 2a है, तो अगर आप initial velocity डबल कर दोगे तो डबल का स्क्वायर यहाँ पे 4 times हो जाएगा। तो पहले अगर x थी तो अब 4x हो जाएगा। सिमिलरली आप रिटार्डेशन का भी इफेक्ट निकाल सकते हो। रुकने में टाइम कितना लगेगा? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह माइनस ए रख दीजिए, v जीरो रख दीजिए, जिस मोमेंट पे रुकेगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एक मोमेंट के लिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी u बाई ए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब जा रहा है तो रिटार्ड हो रहा है, वही ग्रेविटी ऊपर जाते वक्त बॉल के लिए रिटार्डेशन का काम कर रही है, और रुकते रुकते एक मोमेंट पे आके रुक जाता है मैक्सिमम हाइट पे, वो मोमेंट तक जितना चला वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। उसके बाद वही ग्रेविटी, वही फ्री फॉल का क्वेश्चन रिटार्डेशन की बजाय एक्सेलरेशन का बन जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा फ्री फॉल के क्वेश्चन में, ना एक्सेलरेशन का कुछ भी डायरेक्शन चेंज हुई, वो नीचे था, डाउनवर्ड ही रहा, लेकिन ऊपर जाते वक्त बॉल के लिए वो रिटार्डेशन का काम कर रहा था क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा था, और जब नीचे आ रही होगी बॉल तो वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, अब वो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाने का काम कर रहा है। तो रिटार्डेशन हम स्पीड के सेंस में देखते हैं, ना कि एक्सेलरेशन के साइन के सेंस। एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे, कई सारी चीजें निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमको सबसे पहले ये बताना है कि जब ये चलते चलते रुकेगा तो कितनी देर बाद रुकेगा, रुकने से पहले कितना चलेगा। तो पहले तो यही इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। रुकने से पहले टाइम कितना, तो यू बाई ए 10/2, 5 सेकंड, 5 सेकंड में रुक रहा है। चला कितना, यू स्क्वायर बाई 2a, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 2 इंटू 2, 100 बाई 4, 25 मीटर। 25 मीटर चलने से पहले रुका, और t इक्वल टू 5 सेकंड के मोशन के बाद ये जाके रुक गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस 25 मीटर। अब इसके मोशन को एनालाइज करना मुझे 6 सेकंड के लिए, तो 6 सेकंड मतलब 5वें में रुकने के बाद, तो रुकना कोई परमानेंट थोड़ी ना रुका था। अगर अभी भी वही एक्सेलरेशन लगता रहेगा 2 मीटर पर सेकंड इस कार का बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रुकने के बाद जब ये जो अब तक रिटार्डेशन था, अब रुकने के बाद ये उसको चला के लाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्पीड भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये अभी एक्सेलेरेशन बन जाएगा। रिटार्डेशन एक लिमिट के बाद एक्सेलेरेशन बन गया यहाँ पे। वही मैंने अभी फ्री फॉल वाले केस में भी वही बताया था। तो जो 0 से 5 सेकंड तक का मोशन था वो रिटार्डेशन के अंडर हो रहा था, 5 से 6 वाला अब एक्सेलेरेशन के अंडर हो रहा है। तो अगर 6 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ut + ½ v t² लगा दिया, ठीक है, जगह 6 रख दिया, सॉल्व किया, देखा 24 मीटर आ रहा है। जबकि आप ये देखिए 5 सेकंड तक टोटल 25 चल गया था, तो इसका मतलब है कि ये 25 मीटर आगे गया होगा और छठे सेकंड में 1 मीटर पीछे आया होगा, तभी तो 25 - 1 24 मीटर आ रहा है। तो हम वो मोशन और अलग से डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। देखिए 5 सेकंड तक ये 25 मीटर गया आगे। अब ये जो अगला जो छठा सेकंड हो रहा है, रुकने के बाद जो छठा सेकंड है 5 से 6 के बीच में, ये 1 सेकंड का मोशन है। अब इस 1 सेकंड के मोशन में देखिए हुआ क्या होगा। इस 1 सेकंड के मोशन में अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखो तो 0 है। तो अगर 1 सेकंड में हमें ut + ½ v t² लगाना है तो ut मैंने लिखा 0, ½ v t² ½ × 2 t² 1 का स्क्वायर। तो ½ v t² जब आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो देखिए इसने 1 सेकंड में 5 से 6 के बीच में 1 मीटर चला है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपको डिस्टेंस बतानी है तो 25 आगे 1 मीटर पीछे, तो डिस्टेंस होगी 26। अगर आपको डिस्टेंस बतानी है तो ut + ½ v t² नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, पहले इसके मोशन को ब्रेक कर लिया, 25 मीटर आगे 1 मीटर पीछे, तो कितना हो गया 26। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला था ये 24 आया था। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 24 आया था। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये कि डिस्प्लेसमेंट तो आप ut + ½ v t² से एक बार में निकाल लोगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन, और दोनों का अलग अलग निकाल के मॉड जोड़ना पड़ेगा। डिस्टेंस के लिए आपने क्या किया, प्लस का 25 प्लस का 1। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया, प्लस का 25 माइनस का 1, यानी कि 24। आप सीधे सीधे भी निकाल सकते थे फॉर्मूले से। अच्छा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टाइम 6 सेकंड पता है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 26/6, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 24/6, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। लास्ट का जो 5th सेकंड, अगर उसमें पूछा जाए कितना चला है, तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला u + ½ v2n - 1, और ये देख रहे हैं 1 आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि 0 से 4 24 चला है, फिर 4 से 5 1 चला है, और 5 से 6 भी 1 चला, बट अपोजिट में, तभी ये 24 + 1 और ये -1, तभी 24 आ रहा था। और अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 24 + 1 - 1, 24 + 1 + 1, 26 मीटर आ जाएगा। तो आप इसमें आपने देखा कि कैसे हमने रिटार्डेशन समझा, स्टॉपिंग डिस्टेंस समझा, कैसे हमने इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और nth सेकंड का फॉर्मूला लगाना हम लोगों ने अप्लाई करके लगाना सीखा। थैंक यू।